पत्रा साथ में लेती आई बा दीपू के शादी के डेट फाइनल करे के बा। थैंक यू रउआ हमरा साथे खड़ा भेल बानी। तारा साथे ही तो होखल चाहत रहनी काली। शादी से पहले अगर तू कैसे भी अपना बात के सबूत ला पैलू तो हम शादी तोड़ दे। अगर तू कहतू कि जैस्मीन से शादी नहीं करे के तो हम शादी ना करती काली। ये बात तो सच बा कि हमरा जिंदगी में तोहार अधिकार सबसे ज्यादा बा। के और कोनो गहना ना चाहिए माँ महाकाली। हमार मांग के एक ही सिंदूर ही हमार सबसे कीमती गहना बा। जरा पागल तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। थैंक यू रवा के थैंक यू बड़का सा है। तो इतना देर से ये सब सहत रह लो को मुझसे कुछ ना बोल लो। मांगी सिंदूर ही तो हमरा खातिर सब कुछ रहल लेकिन लेकिन इहो अब ना रही। कुछ दिन बाद ही सिंदूर जैस्मिन दीदी के मांग पर चढ़ी। कैसे भी करके शादी ना रोक पाई माँ, कैसे भी ना रोक पाई। कहा जवाब नहीं को दे रहा हा? कहा गई रहलो तू? ए देखा बिना बतैले गईल रहलो तोरा के का कभी अकल ना आई। हाँ तारा के खोजे खातिर तार माँ और हम पूरा गांव छान लेले रहनी। तारा के ढूंढे खातिर कहाँ गईल रहलो तू बिटिया। तारा बारे में सोचत सोचत तार माँ के पागल वाला हाल हो गिल रहे। जवाब देवे की जरूरत नहीं की समझत। ए ए कौ करल बड़ू तू कौ करल बड़ू ये सब गई सारी बा ये सब के सारी कल जाला। गंदा साड़ी हमके ना चाहिए छी। ए गंदा बा तो बिल्कुल ठीक बा एकदम ठीक बा। अगर पहने की बात आई है पहना रहता कौनो जरूरत ना पहने के महारानी बड़ू कहीं के। बेटा तू हाँ असल में हम कुमू के घर छोड़े आए लानी। असल में वो हमार गाड़ी में छिप के बैठ गई रहल और वही से हमारा घरे पहुंच गए। तू छिपके गाड़ी में इनकर काहे गईल रहलू बिना बतैले काहे गईल रहलू इनका घरे। हमके और अच्छा ना लगेला फिर अइला के बाद से ये सब का करल बड़ो साड़ी कपड़ा पे गुस्सा। तोरा से पूछ के कौनो फायदा ही नहीं खे। बेटा तू ही बतावा था तो हर घर में आइसन का भइल रहल कि ई ऐसे कर रहल बिया। ना ना ऐसा कुछ नहीं भइल लेकिन भाभी के देख के पता नहीं कैसे कर रहल बाड़ी। हमके लगा था कि भाभी के महंगा साड़ी और गहना देख के शायद शायद ना ओहे ओइसे हमार दिमाग खराब हो गेल बा दिमाग गरम हो गेल बा। हमार साथे ऐसा काहे होखेला काहे काहे काहे।
मजा आ रहल बाना तू सबके? हमरा के तकलीफ में देख के तू सबके मजा आ रहल बाना? मजा आए ना? हो गए ना, हम निकला ही कमरा से। निकला ऐसे, निकला जा। खूबसूरत तो हम बानी, हम दिखे में अच्छा बानी। वो सजल सवरल, वो साड़ी, वो गहना सब तो हमरा पर होके के चाहिए। ऐसा ना हो सकेला कि वो बदसूरत दीदी वो घर की बहू बन के अपन रूप दिखा रहल भैया, और हम यहाँ यही गांव में पड़ल बानी। हाँ, हाँ। तो हर दीदी हमने के घर के बड़की बहू बड़ी ऐसे इतना गहना पहने ली। ऐसे तो अच्छा जीजा जी हमार पति रहे थे। कैसन होखी अगर जीजा जी साथे हमार शादी होके? कहो पूरा दिन बैठ के का सोचते रहे वो? बाहर तो के बुला रहल बाड़े चला। हमके बुला रहल बाड़े काहे? बाहर पंडित जी आयल बाड़े। आज तो बड़का साहब के दिन ठीक होखी। पंडित जी आ गेल बाड़े। हाँ आ गेल बाड़े। माँ फोन के लिए रही, एकदम पोथी पतरा लेके चलाइल बड़े। भैया माँ तो हर शादी के मामला में और लेट नेखी करे के चाहे का भाई? ऐसे गंभीर का है बड़ा? तनी मुस्कुरा दा। माँ इतना जल्दी पंडित के बुला ले ली। आई आई पंडित जी, भीतर आई, हमार कमरा में चल के बैठी। हाँ वहाँ बैठ के ही शादी के दिन तय कर जाए। ओ ये हमार बेटा के होके वाली पत्नी जैस्मिन, प्रणाम करा। खुश रहा बेटी। ई का पंडित जी रोवा? हाँ माँ, हम पंडित जी के बुलेले बानी, दीपू के शादी के दिन तय करे के होगी ना। आई ना पंडित जी? रुका, उफ, अब माँ हजार गो सवाल करी है। ये सब सवाल के अवॉइड कर जात रही, यही से तो पंडित जी के अपन कमरा में ले जात रही। लेकिन बड़की बहू शादी के दिन ठीक करे से पहले तो गुरुजी तो यहाँ नहीं कन। माँ कब लौटी है एकर भी कोनो पता नहीं खे। गुरुजी खातर हम दीपू के शादी नहीं खी रोक सकत ना, और शुभ काम में देरी न करे के चाहिए। हम तो ये माने नी का पंडित जी, सही कहनी ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दिन ठीक करे खातर ही तो। अरे जा का भेल? रउवा बार बार बोलने की पोथी पत्रा हम एकदम भूल ही गए नहीं। ओ अच्छा ठीक बा। काली तू एकदम सही समय पे आई बाड़ू। एगो काम करा, हमार कमरा में पंडित जी खातिर थोड़ा चाय और नाश्ता भेजे की व्यवस्था करा। और हाँ पूजा के कमरा से पत्रा ले आई। हाँ था जल्दी जा काली। बड़की बहू अब इतना जल्दबाजी मत करा। शादी के मामला में मतलब दिन ठीक कइल हमके जल्दी बा माँ। जब तक हम दीपू के शादी नहीं की करवा देत हमरा चैन नहीं के मिलल। और फिर वो हमार बेटा बा, बचपन से जब ओकर भलाई के बारे में हम ही देख रहल बानी तो अभी भी देख लेवे दी। छोड़ी रउवा के सब में नहीं की बुला रहल माँ, वैसे भी राउर घुटना में दर्द बा। तो रउवा सीढ़ी से ऊपर कैसे आई तो हम ही निपटावत बानी काम के। आई पंडित जी? बाकी माँ पापा भी तो घर में नहीं खन, पापा के एब्सेंस में इतना बड़ा डिसीजन ले ले रउवा। तू आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रहल बाड़ू रंगना।
ए बारे में हम तुहार पापा से बात कर ले। हर बात में तू अपन टांग मत घुसावल करा, दैट्स नॉट फेयर। हम बानी ना, तू यहाँ खड़ा का बाड़ू जा। आई पंडित जी, दादी रवा अभी पापा के फोन करी, माँ जौन शुरू कर ले बाड़ी, ऐसे में वो केहू के सुनिए ना, ये शादी रोके खातिर पापा ही एकमात्र भरोसा बाड़े। पापा के बतावे के होखी कि पापा के परमिशन के बिना ये शादी के दिन तय होखी तो पापा ना मनी है। रवा ये सब पापा के बोली ना, बाकी दोस्त चाउमिन से हार जाई है जानत बानी, और भैया के साथ चाउमिन की शादी ठीक हो जाए। इता ना होके दे सके नी, ये कैसे भी ना होके दे सके नी। दादी ने वो कुछ करके के रोकी। आज ही दीपक जी के साथ जैस्मिन दीदी की शादी के दिन ठीक होगी। अब ज्यादा समय तो बा ना, का करिए अब हम शादी के रोके खातिर। पत्र मिलल काली, अब ठीक बा, कैसे नौकरानी की तरह लग रहा बाड़ू अब। अच्छा ही कैलू, सब साड़ी गहना खोल दे लू, वो सब रूप का सबके अच्छा लागेला बोलो। असल में हम बताए तो वो एगो कहावत बाना, कैसनो पांख लगा के कौआ हमेशा कौआ ही रहेला, मोर ना बन पावेला। ए, आँख नीचे करो, आँख नीचे करो। काली, तू जितना हमके ए तरह देख रहा बाड़ू ना, जानत बाड़ू हमके का होकत बा, हमके ना बहुत गुस्सा आ रहा बा, धारा के काबू में कर लेवे के मन कर रहा बा। ए बार देखा हम का करत बानी। ए पत्रा लेके तू ऊपर मिसेस बासु के कमरा में जाइबू, हम तोरा के मजबूर करब वहां रहे खातिर, ताकि तू मजबूर होके आपन कान से हमार और दीपक के शादी के तारीख सुन सके। Now just wait and watch. Hey, Maa Mahakali, Ika bol ke gayi ne Jasmine Didi. हम तो अपन कान से ना सुन पाए दीपक जी और जैस्मिन दीदी के शादी की तारीख, का करी अब हम, का करी, कैसे मुक्ति पाई हम इस सब से। हाँ पंडित जी, हम और देरी नेकी कल चाहत, जितना जल्दी संभव होके दीपू के शादी। जैस्मिन, काली कहाँ बिया? आवत बिया। ओह काली, पत्रा, हाँ थैंक यू। पंडित जी ले ही, जल्दी से एगो बढ़िया दिन देखी तो हम इहे सप्ताह दीपू के शादी करवावल चाहत बानी। कब बा शुभ दिन?
सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी हम एकदम ना समझ पाए नहीं और धक्का लग गए और गिर गए मिसेस बासु आई एम सॉरी कौनो बात ना एमे इतना सॉरी की कौन बात बा कांच के गिलास तो गिर के टूट ही सकत बा काली बाड़ी ना साफ कर दी है ए काली कांच साफ कर देता हाँ पंडित जी बोली कब आ शुभ मुहूर्त भगवान जितना भी समय हमरा पास बा वो काम मत होके दे भगवान हमके कुछ भी करके कि 5-6 दिन के अंदर ही दीपक जी के हाथ में सबूत देवे के पड़ी ताकि शादी रुक जाए और 5 दिन बाद एमे को बढ़िया दिन दिखावत राउर पोती त्रिकाली के हम अपन घर के लक्ष्मी बना के ले गेल चाहत बनी ठाकुर जी और 5 दिन बाद एमे को बढ़िया दिन दिखाओ कहाँ जा रहल बाड़ू काली काम खत्म हो गए ऐसा हम बोल नहीं हका अभी तो बस शादी के दिन सुन ले बाड़ू अभी तो तहरा बहुत कुछ सह के पड़ी काली कमरा में चला काली अभी दीपक आई है तहार सामने हम उनका पास बैठ तू ना देखो कि शादी के दिन ठीक होके से दीपक कितना खुश हो बारे चलो चला अभी हम ना जाए ना जाए मतलब तोरा जाए के ही होगी हमार और दीपक के शादी के सब बात तोरा अपन कान से सुने के होगी और इहे तोहर सजावा हमार आंख में आंख मिला के देखे के सजा हम के यहां से जाए दी कहां जा रहल बाड़ू काली भागल जाहर बाड़ू भागल बाकी कहां भगबू काली आज हमनी के शादी के दिन ठीक भइल बा पूरा घर में सब लोग सेलिब्रेट कर रही है काली कहां जाइबू तू भाग के बोला और कहां मुंह छुपाइबू तू कहीं भी जगह नहीं खे काली कहीं भी जगह नहीं खे शादी के डेट अभी भी फिक्स नहीं खे भैल काली और अगर शादी तक तू कैसे भी अपना बात के सबूत ला सकत बाड़ू तो फिर हम इस शादी तोड़ दे सच में तो दीपक जी के साथ जैस्मिन दीदी की शादी के दिन ठीक हो गए और हम अभी भी सबूत जुगाड़ ना कर पाई कि जैस्मिन दीदी माँ के पसंद के लड़की नहीं थी तो घर में रह से तो ये बात हमारे पीछा ही ना छोड़ी कहाँ जाई हम कहाँ जाई
और 5 दिन बाद मेरे बढ़िया दिन दिखाओ। हाँ भैया बोला, तू आज जा रहा बाड़ा? एगो बहुत खूबसूरत साड़ी आयल बा और एगो चिट्ठी भी बा। ये पुलिस साहब के चिट्ठी बा। अगला बृहस्पतिवार के हमार बेटी सुधा के बरसी बा, तू अबू तो हमरा बहुत अच्छा लगी बेटी, बेसी अच्छा लगी अगर तू चिट्ठी के संगे भेजल साड़ी पहन के अबू। ओह आज तो पुलिस साहब के बेटी के मृत्यु के बरसी की पूजा बा, हम कैसे भूला गई नी। छी 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 छी। का भाई? हमारा रास्ता छोड़ी जैस्मिन दीदी, हम के जाए के होखी। जाए के होखी मतलब कहाँ जाए भूतू? आज हमार दीदी के मृत्यु के बरसी के पूजा बा। सो हम जी तो के कमरा में जाए खातिर बोले बानी हो तो ना सुन लू का? हमरा पास कोनो चारा नहीं के, हम के अभी जाए के पड़ी। ई मत भूला काली, तू एगो काम वाली बाड़ू, मालकिन के बाट टाले के हिम्मत कैसे भइल तहार? पहले मालकिन तो बनी ओकरा बाद। काली इज्जत से बात करा। इज्जत का इतना आम चीज बा जैस्मिन दीदी, डेरवा धमका के केहू के डेरवा सकत बानी, इज्जत नहीं की करवा सकत। और जो उन इंसान काम वाली के नशा करवा के उकर अंदर के बात निकाले की कोशिश करेला, उकर हम इज्जत ना करनी जैस्मिन दीदी। और करब भी ना। जैस्मिन, जैस्मिन, अरे यहाँ बा बात करे के बा। अनुरोध करब मानब बड़का साहब। अरे का करो बड़ो, उठा उठा बोल रहल बनी उठा। का भइल? आज पुलिस साहब के बेटी के मृत्यु के बरसी बा बड़का साहब, ओ दी जोन बॉक्स में साड़ी आई रहल हमरा खातिर, ओकरा अंदर एगो चिट्ठी रहल कि आज हम उनका घरे जाई। कृपा करी, कृपा करके बड़का साहब हमरा के जाए के अनुमति दी, हम एक बार खातिर वहां जाई। ना ना जाए। मिसेस बासु कैसे हो सकता? जैस्मिन शांत हो जा, शांत होके हमार बात सुना। काली कहीं भी ना जाए। बाकी मिसेस बासु रोवा। जैस्मिन कूल डाउन, ट्रस्ट मी, हम काली के मजबूर करब तोहरा और दीपक के एक साथ बैठे देखे खातिर। पीको कहा बा? पीको, पीको हमा कहाँ बोलो लो? कहाँ रहा अभी तक? दीपू कहाँ बा? दीपू के बोला कि पंडित जी आयल बड़े शादी के दिन ठीक करे। बोलनी तो कि पंडित जी आयल बड़े शादी के दिन ठीक करे खातिर सब बोलनी हम। ओकरा बाद हम मिठाई लेबे चल गई नी। कहाँ है भैया ना आयल का? ना नहीं के आयल। कहाँ कर पड़े? अच्छा देख क्या होता नहीं। हम तो बोलनी की ना। रवा का है मना करत बानी बड़का साहब? तोहरा के तरुजी के घर के रास्ता पता बा जोन अकेले जीबू तू? ना ना हम नहीं की जानत, लेकिन रउवा एक बार बता दी कि हम कैसे जाए, हम ठीक से चल जाए, विश्वास करी। पुलिस साहब इतना मन से हमरा के बुलाई ले बड़े, ना जाए तो कैसे लगी बताई ना। और दीदी के मृत्यु के बरसी के पूजा के बाद बा, थोड़ा समझे बड़का साहब,
कृपा करके हमरा के जाए के अनुमति दी। काली, हम तोहरा के वहाँ जाए से नहीं रोक रहा, हम तोहरा के वहाँ अकेले जाए से रोक रहा बानी। बाकी बड़का साहब हमरा साथे के? हम चलब तोहरा साथे। रउआ तरुण जी हमरा खातिर बहुत कुछ कैले बाड़े। उनकर बेटी के मृत्यु के बरसी में उनका साथे होखला पर हमके भी बहुत अच्छा लगी। छोड़ा, तू जा तैयार हो जा, हम आवत बानी। माँ महाकाली कभी कभी ऐसे चौका देवे नी कि हमके लागेला कि हम खुश बानी, बहुत खुश बानी। अच्छा भाई कि घर से निकल रहल बानी, ना तो माँ के ना ना बोल पाई थी। इस शादी के दिन ठीक होकत समय हम घर पर नहीं किरल चाह, ये बात हमरा खातिर बहुत अनकंफर्टेबल बा। का बात बा? शादी के दिन ठीक हो रहल बा जान के भी भैया काहे ना आइले? पिकू सुना, कहाँ जा रहल बाड़ा तू? जहाँ भी जाई तोके का हमके बता के जाए में का हो जाए ताहर? हमेशा ऐसे चिड़चिड़ा के काहे बात करेला बोला रंग ना, हर वक्त डिस्टर्ब मत कैल करा। भैया के शादी के दिन ठीक हो रहा बा, लेकिन भैया वहाँ नहीं खन, जा अपन काम करा। सुना, तोरा भी भैया के शादी करावे का बहुत शौक बा, बा ना? अच्छा भाई, ये भैया ना गए ले और तोरो जाए की जरूरत नहीं खे। देखो हम बेवकूफ हो सकत बानी, लेकिन हम जानत बानी की माँ के कमरा में जाके तू लोग दोस्त के खिलाफ साजिश करब। हम ऐसे बोल रहा बानी की आज से तू कोनो साजिश में ना रहब, ठीक बा? चलो अभी हमरा साथ। रंगना प्लीज तू हाथ छोड़ा। ना छोड़ा बोल रहा बनी। सुनो पिकू, तोरा एगो अच्छा इंसान बने की पड़ी और ये सब साजिश सेहत खातिर हानिकारक होखेला। चलो हमरा साथ आवो। रंगना रंगना, अरे बार बात तो सुनो रंगना। काली इतना देर काहे कर रहल बिया? अभी केहू ना केहू आ जाई तो फिर मुसीबत हो जाई। कहाँ गई? पुलिस साहेब ये साड़ी भेज ले रहले, कहले रहले कि हम ये पहन के जाएं, यही से पहन ले बानी। हाँ हाँ ठीक कह लू तू। अच्छा बोल बानी, जल्दी चला ना तो देरी हो जाए। चला बाप रे बाप, कैसे करके रंगना से छुटकारा पाई। भैया भैया
दी कहाँ गई? ये कहाँ गई ले? मिसेस बासु, काली तो दीपक के गाड़ी में बैठ के चल गई। ई का बात भइल, काली दीपक के गाड़ी में बैठ के कहाँ जा? वो हम कैसे जान सकत बानी बाकी वो काली ही रहल। माँ, माँ, का भइल? भैया तो कमरा में नहीं खन। देखनी ना, एकर मतलब काली के लेके दीपक ही निकलल बारे। हम ठीके देखनी हो। ये सब कहाँ हो रहल बा मिसेस बासु? बच्चा सब के खेल चल रहा का। मिसेस बासु, रोवा प्लीज कुछ करी। एकरा बाद सब कुछ हाथ से निकल जाए फिर कुछ ना कर पाए। कुछ हाथ से ना निकली, हम हाथ से निकले ना देब। बहुत पंख निकल गई बाना दोनों के। अब हम जौन करब उ लोग सोच भी ना पाई है। हे भगवान, जल्दी में हम भुलाइए गए नहीं तुहार सीट बेल्ट लगावे खातिर। एक मिनट, एक मिनट। ना ना। का हो गए? सीट बेल्ट लगावे के मना काहे कर रहल बड़ू? लगावे खातिर नहीं के मना करत, ई हम खुद से लगा देब। ऐसे रउआ के तकलीफ ना करे देनी। बाप रे, देख रहल बानी तू बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो गेल बड़ू। का हो गेल बानी? सेल्फ सफिशिएंट माने आत्मनिर्भर। अकेले निकलल चाहत बाड़ू, केहू हेल्प कल चाहत बा त लिहल नहीं खुचाहत। बढ़िया बा, जेकर नसीब में अकेले चलल लिखल बा ओकरा केहू के भरोसा पर रहल ना चली ना बड़का साहेब बा ना। काली, अकेले जिंदगी बितावे के तू खुद ही चुन ले बड़ू। हाँ दीपक जी, हम खुद ही चुन ले बानी। का करती, कोनो चारा ही ना रहल। रव अकेले ना हो जाई और हम दूर से ही राउर रक्षा कर पाई, ऐसे तो हम अकेले जिंदगी बिताई।
शादी के दिन आगे लेके आई पंडित जी। एकर मतलब शादी के दिन आगे लेके आई एकर मतलब? भोजपुरी समझ में ना आवे, आगे लेके आई मतलब आगे लेके आई। ये मैंने बाकी पत्रा में तो 5 दिन बाद के बता रहा बा। अब बोली शुभ मुहूर्त कब बा? पैसा दे के ग्रह नक्षत्र पोती पत्रा सब बदल जाला। हाई बा हाई देखी ना आवे वाला परसों शुभ रही, रोवा शादी के इंतजाम करी। देख लो जासमिन, ग्रह नक्षत्र के अवस्था बदल जा सकेला। तो हार और दीपू के शादी परसों ही होगी। बहुत पंख जम गई बाना, सब लोग ई बार देखी हैं कि हम कैसे उदनों के पंख काटत बानी। का भेल बड़का साहब, ऐसे अचानक गाड़ी का है रोक देनी, का हो गेल? तरुण जी के मृत्यु के बरसी बा, फूल ले जाके चाहिए। ठीक है था, फूल तो ले जाए के चाहिए, दीपक जी के याद आगे अच्छा भेल। पंडित जी बोली कब बा शुभ मुहूर्त? आज से 5 दिन बाद पत्रा में एगो शुभ मुहूर्त बा। नाना ई सब हम काहे सोचत बानी, हमके ई सपना देखे के कोनो हक नहीं खे, कोनो हक नहीं खे। दीपक जी के साथे जैस्मिन दीदी की शादी ठीक हो गल बा, हम झूठ मूठ के काहे। इते जैस्मिन दीदी के भैया बाड़े ना।